ये देख लो यार, एशिया की बड़ी मार्केट है उतनी ही चीपेस्ट मार्केट भी है। तो भाई लोग पीछे ही है वो शॉप और बंद पड़ी है जहाँ तक कि आपने देखा। भाई ने बोला ना तुम्हारे पानी पड़ा है, जबकि तुमने कोई मतलब पानी नहीं गिरा है, कोई लिक्विड का सीन नहीं दिया। ये कहानी शुरू होती है 2019 से। हमारे दोस्त को एक एडिटिंग पीसी बिल्ड कराना था जिसके लिए हम जा रहे थे नेहरू प्लेस। उनका बजट था 35,000 और 2019 में 35,000 में 1650 ग्राफिक कार्ड विद राइजन 3 के साथ उनका पूरा टोटल पीसी बिल्ड हो चुका था। अब 2022 में आके उनका मदरबोर्ड जो है वो ख़राब हो गया, लेकिन वो वारंटी में था। तो जैसा कि नेहरू प्लेस के सभी सेलर्स कहते हैं कि आप हमसे पीसी बिल्ड कराओ, कोई भी कंपोनेंट लो, कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे पास आओ, आपको सर्विस सेंटर तक जाने की ज़रूरत नहीं, हम सीधा आपको ठीक करा के दे देंगे, यानी कि आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पहुँचते ही मतलब हमें जो नज़ारा दिखा वो अलग ही था। ये देखो तो भाई लोग पीछे ही है वो शॉप और बंद पड़ी है जहाँ तक कि आपने देखा। और वो बंदा और उसने कॉन्टैक्ट नंबर भी वगैरह अपना दिया था और मतलब किसी और ने दिया था हमें उस बंदे का कॉन्टैक्ट, जो हमें कार्ड दिया गया था वो तो एक्चुअली फ़ोन उसने उठाया नहीं, दोनों ही नंबर नहीं मिले थे। फिर यहाँ से ही शॉप से कहीं से मिला उसका नंबर तो उससे बात हुई, लेकिन भाई उनको तो मतलब गलत फील, वो अपनी गलती मानने को राजी नहीं है बंदा, कि वो तो कह रहा है कि भाई मतलब कि ये तो उसे ऐसा लग रहा है कि यही मार्केटिंग है और नेहरू प्लेस में यही होना है। मतलब कि यार सीधा सीधा हमसे ये कह रहा है कि भाई आप जो कर सकते हो कर लो। हमने उनसे कहा भी हम कि कोई लीगल एक्शन ले सकते हैं इसके, क्योंकि हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, इस तरह से शॉप वाले का फॉल्ट है। या तो हम MSI के सर्विस सेंटर जाएं, वो MSI का मदरबोर्ड है, या फिर हम उनको दें। तो वहाँ पे शॉप ही बंद है, मतलब ऐसा भी होता है, हमें पहली बार पता लगा। हमने कहा चलो कोई नहीं, हम MSI के सर्विस सेंटर चले जाते हैं जो नेहरू प्लेस में ही है। हम वहाँ पहुँचे और MSI के सर्विस सेंटर वालों ने हमें बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया। उन्होंने बोर्ड का सीरियल नंबर देखने के बाद हमें ये कहा कि आपके जो मदरबोर्ड की वारंटी है वो हो चुकी है ख़त्म। हमने जब पूछा कि वो कैसे, तो उन्होंने बताया कि इसकी जो बिलिंग डेट है सीरियल नंबर के हिसाब से वो 2018 की है, तो उस हिसाब से आपकी वारंटी ख़त्म हो चुकी है। जब हमने उनसे सॉल्यूशन पूछा इस चीज़ का, हमने उनको बिल दिखाया कि लाइक हमने तो बाद में परचेस किया है 2019 में, वो भी सेप्टेम्बर में, उस हिसाब से वारंटी में, तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि लाइक आप MSI के सर्विस सेंटर वालों को मेल करो, अगर आपकी वो वारंटी एक्सटेंड कर देते हैं तो हम आपका मदरबोर्ड ठीक करके दे देंगे। ये सब सुन के तो मतलब किसी का भी दिमाग ख़राब हो जाएगा कि लाइक जो वारंटी में है, जहाँ से हमें बिल मिला, मतलब वो फ्रॉड सब कुछ, और वो इवन सेलर तक नहीं है। अब हम उसकी शॉप पे वापस गए और इधर उधर से पूछा तो हमें उसका कॉन्टैक्ट नंबर मिला। जब हमने उससे कॉन्टैक्ट किया, उसके शब्द कुछ ऐसे कि वो हेल्प करना बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था। मतलब उसे कोई कुछ नहीं पड़ा कि लाइक उसके जो कस्टमर्स हैं वो क्या फेस कर रहे हैं, या फिर जो उसने किया वो अच्छा है बुरा, जबकि ये तो सरासर फ्रॉड है। और वहाँ के आसपास के जो सेलर से उन्होंने सजेस्ट किया कि आप इस पे FIR कर सकते हो, इसने फ्रॉड किया है, ये गलत काम है। लेकिन हमारा उस वक्त इतना मूड ख़राब था कि सबसे पहले हमें अपना मदरबोर्ड ठीक करवाना था, क्योंकि एक एडिटर का काम जो है वो सारा का सारा कंप्यूटर से है। तो फिर घर जाकर हमने MSI वालों को मेल किया, जैसे तैसे उनसे बातें करने के बाद हमारी फाइनली वारंटी एक्सटेंड हो गई। और वारंटी एक्सटेंड हो जाने के बाद हम वापस गए MSI के सर्विस सेंटर। ब्रो तो क्या लग रहा है MSI के सर्विस सेंटर में आके? भाई वो तो जाना चाहिए यार, वो जाना चाहिए ना। मेहनत कर रहे हैं, आई थिंक तीसरा राउंड है हमारा, दूसरा राउंड है। मे बी मुझे तो लग रहा है हो ही जाएगा जाना चाहिए वाला। क्या बोला था? अच्छा उनको दिखाया और वो उस चीज़ का रजिस्ट्रेशन करने लगे, यानी कि उसके बारे में पता करने लगे कि इनकी वारंटी एक्सटेंड हुई है या नहीं हुई है और इस पर क्या आगे कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे दो लोग और आए हुए थे जो सेम प्रॉब्लम के साथ आए थे, बस हमारा मदरबोर्ड था, उनका ग्राफिक कार्ड था और उनके ग्राफिक कार्ड में भी सेम प्रॉब्लम। लेकिन जो MSI के सर्विस सेंटर में एक बंदा बैठा था वो ठीक से गाइड नहीं कर रहा था, और उसने तो साफ कह दिया था कि इसमें आपका लिक्विड गिर गया है और आप मतलब इसको ठीक नहीं करवा सकते। तब मैंने उनको गाइड करने की कोशिश की तो उसको अच्छा नहीं लगा, उस चीज़ में थोड़ी बहुत हमारी बहस भी हुई, लेकिन उसके बाद वो वही चीज़ बताने लगा जो हमें बता रहा था और जो या मैं उसे बता रहा था। तो मतलब पहले तो वो उनको मिसगाइड कर रहा था यार, वो इतनी एक्सपेक्टेशन लेके आए हैं, उनके साथ भी मतलब ऐसा हुआ है कि उनको भी पता लगा कि यार ये बिलिंग के हिसाब से वारंटी में और हमारा वारंटी एक्सपायर हो चुका और तुम कह रहे हो लिक्विड गिरा। चलो उनके ही मैं कुछ लफ्जों में आपको बातें सुनाना चाहूँगा। लेकिन चलो मेरी बहस के बाद या फिर जैसे तैसे उसने मतलब उनको ये सजेशन दे दिया और आई होप कि उनका भी ठीक हो ही जाए और ऐसा किसी के भी साथ ना हो। तो वहाँ पे शायद हमें वेट करते हुए 1.5 घंटा या 2 घंटे हो चुके थे। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे मदरबोर्ड छोड़ जाओ। उन्होंने एक पर्ची दी जिसमें स्टैम्प था, वो प्रूफ था कि लाइक जो हमारा मदरबोर्ड है अब वो कंपनी के पास जा रहा है, या तो वो ठीक होगा या फिर
हमें नया मिल जाएगा। वहाँ सर्विस सेंटर में जाने के बाद जब हम उन दो लोगों से मिले तब हमें पता लगा कि हमको स्पेशल नहीं है जिनके साथ ये हो रहा है, यहाँ पे पूरी मार्केट में ऑलमोस्ट ऐसा हो रहा है। शायद कुछ ही शॉप होंगी जो बिल्कुल जेन्युइनली से आपको कंपोनेंट्स या पीसे बिल्ड करा के देते हैं, लेकिन ज़्यादातर आई थिंक यही होगा जब हम पहुँचे और हमारे जैसे और भी हैं वहाँ पे, तो मतलब कितने ही होंगे जो वहाँ पे डेली आते होंगे। और इस तरीके से कितनों का तो काम हो ही नहीं पाता होगा, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा झंझट नहीं झेल पाते कि चलो यार छोड़ो जो हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ सोच के वो छोड़ देते हैं। लेकिन चलो हमारा काम तो हो गया, मैं चाहूँगा कि सब लोग इस वीडियो से अवेयर हो जाएं और डायरेक्ट आप कंपनी को मेल करें कभी भी ऐसा होता है तो, और आप इस चीज़ से बच कैसे सकते हैं, अवेयर कैसे हो सकते हैं ये मैं बताता हूँ आपको। कभी भी आप नेहरू प्लेस या कहीं भी किसी भी कंप्यूटर शॉप से, कंप्यूटर मार्केट से, नेहरू प्लेस वैसे एशिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर मार्केट बोली जाती है, लेकिन यार उस हिसाब से जैसा हमारे साथ हो रहा है, लोगों के साथ हो रहा है, ये तो फ्रॉड है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कभी भी आप नेहरू प्लेस जा रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप छोटे हैं, अंडर 18 हैं, तो किसी बड़े के साथ जाइए, और जो इससे बचने का तरीका है वो आप ध्यान रखें कि जो भी आप कंपोनेंट ले रहे हो उसका सीरियल नंबर, हर किसी कंपोनेंट का सीरियल नंबर ज़रूर देखें और उसकी बिलिंग डेट भी चेक करें या फिर ऑनलाइन चेक करें या कैसे भी शॉप वाले से आप कितने भी क्वेश्चन कर सकते हो, इस चीज़ में ना हिचकिचाएं, क्योंकि आप अपना पैसा लगा रहे हो तो आपके मन में जितने भी डाउट हैं उस सेलर से पूछिए। और ध्यान रखिएगा कि जब आप बिल बनवा रहे हो तो उसमें अपने सारे कंपोनेंट के, चाहे पीसी बिल्ड करा रहे हो तो उसमें जितने भी कंपोनेंट होते हैं सबके सीरियल नंबर ज़रूर मेंशन कराएं और चेक करिए। एक कंपोनेंट ले रहे हो तब भी आप अपने बिल में जो है सीरियल नंबर ज़रूर ऐड कराएं। तो गाइस इतना सारा काम करा लेने के बाद हमें लगी थी भूख, तो हम पहुंचे बर्गर किंग। देन हम घर आए, लिली ने हमारा स्वागत किया, लेकिन लिली को वीडियो बनवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और गाइस हमारे चैनल के सपोर्ट के लिए एक लाइक और नीचे आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप ऐसे सेलर के लिए क्या कहना चाहेंगे और आपकी इस पूरी वीडियो को लेके क्या राय है। एंड गाइस ये सारी इन्फॉर्मेशन के बाद आप काफ़ी अवेयर हो चुके होंगे और आप काफ़ी लोगों को अवेयर कर भी सकते हैं ये वीडियो शेयर करके, उन्हें भी पता लगेगा कि लाइक ऐसा भी होता है मार्केट में और हमारे चैनल में भी सपोर्ट होगा। वैसे मैंने अपना पीसी भी नेहरू प्लेस से ही बिल्ड कराया, उसका लिंक जो है मैंने ऊपर आई बटन में दिया हुआ है। एंड गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।